इंजन डल गया नया टायर और एक नंबर टायर डाला है। ये पकड़ो तुम्हारा 1.5 लाख रुपया और पुराना टायर भी हमें दे दो। अरे भाई जान वो कबाड़ है, आप क्या करेंगे? ओ भाई बच्चों के खेलने के काम आएगा, दे दो पुराना टायर। ठीक है तुम इस तरह करो, वो पुराना टायर लेके मेरे पीछे पीछे आओ, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जल्दी से ये टायर लगाओ। अच्छा मलिक साहब। हैं? ये क्या है? ये जो टायर फटा है ये मिचलन का है, बाकी के जो गाड़ी के टायर हैं ये है योकोहामा कंपनी के। ये क्या चक्कर है? बात सुनो। जी मलिक साहब। हमने तो सारे टायर गाड़ी के योकोहामा कंपनी के डलवाए थे, और ये मिचलन कंपनी का कहां से आ गया टायर जो फट भी गया है? मलिक साहब सच सच बताओ, बात क्या है? बताता हूँ, मैं आज उस टायर वाले के पास बैठा था, ऐसे बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मलिक साहब ने मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, जब भी मांगता हूँ ऐसे टाल देते हैं। तो उस टायर वाले ने मुझे कहा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और फिर उसने मुझे ये प्लान बताया कि आपकी गाड़ी में तो नया टायर लगे हुए हैं, वो नया टायर निकाल के पुराना डाल देते हैं और उसी टायर को काट देंगे, फिर जब आप नया टायर डलवाने आएंगे तो वही आपके वाला टायर डाल के आपसे खाम खा के 1.5 लाख ले लेंगे। मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूँ मलिक साहब, बस अपनी तनख्वाह निकलवाने के लिए ये सब किया है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो, ना मैं तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह रोकता और ना तुम इस तरह की बेईमानी करने पे मजबूर होते। जल्दी से ये टायर फिट करो और अपनी सारी तनख्वाह आके ले जाओ। दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका हक उसे दे देना चाहिए।